स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए देश के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टल में से एक पढ़ई दुहार को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने बताया कि इस पोर्टल की वेबसाइट cgschool.in पर कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के संसाधनों को उपलब्ध कराया गया है, जहां रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। जहां नेटवर्क नहीं है वहां के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह के काम से बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्याराजपुर ने। स्कूल बंद के दौरान शिक्षा विभाग ने एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहल किया है और कल सीएम और शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल को लॉन्च किया है। कोरोना को भी हराना है, घर में रहना है और बच्चों को पढ़ाई करना है, इस दृष्टिकोण से ई लर्निंग, घर में बैठ के ही लोग पढ़ें और उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा हम एक जो नाम रखे हैं कि पढ़ाई तुहर द्वार, आपके घर में ही पढ़ाई करें। तो इस प्रकार से जो नया कॉन्सेप्ट विभाग ने शुरू किया है और कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इसका शुरुआत भी किया, जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनसे बात भी किया और जो टीचर हैं जो 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 पढ़ाने वाले हैं उनसे भी बात किया और इसका पंजीयन कराया जाएगा। तो मोबाइल के द्वारा अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि लंबा अगर समय स्कूल बंद रहेंगे, लोग स्कूल में नहीं आएंगे तो हम पढ़ाई में पीछे न रहें, इसलिए उनकी पढ़ाई जारी रहना चाहिए। घर में ही अपने मोबाइल, आज सबके पास मोबाइल है तो उसके द्वारा पढ़ाई लोग कर सकते हैं। cgschool.in करके हमारा साइट है, उसमें जैसे ही उसको क्लिक करेंगे उसमें ऑप्शन आएगा पंजीयन के लिए, विद्यार्थी का ऑप्शन आएगा, टीचर का ऑप्शन आएगा, वो जैसे ही खोलेगा उसमें बहुत सिंपल उसमें उनका नाम पूछा जाएगा, उसमें पता पूछा जाएगा, अगर उसका ईमेल एड्रेस है तो वो उसमें रखेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर उसमें रहेंगे और सारे उसमें भरने के बाद उसको लॉगिन करेगा, वो अपने आप पंजीयन उसका हो जाएगा। ये एक आपके पास इंटरनेट सेवा है तो इसका फायदा उठाया जा सकता है, जिनके पास नहीं है उनके लिए अभी विकल्प जारी, तलाश जारी है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।